गो कार्टिंग प्रथम चरण है फार्मूला वन मोटर रेसिंग का, और अब ये खेल भारत में भी तेजी से पांव पसारने जा रहा है। मौका होगा प्रथम नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप का। वैसे ये खेल पिछले एक दशक से भारत में गतिशील है, पर कोई मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार हो रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए इसके आयोजकों ने बताया कि 7 सप्ताह तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का आयोजन 7 शहरों में होगा। पिछले 3-4 साल में हम ये देख रहे हैं कि गो कार्टिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। आप गो कार्टिंग ट्रैक्स जो इंडिया में हैं, आप उनमें कभी जाइए, स्पेशली इतवार के दिन, रविवार के दिन, तो आपको ये दिखेगा कि दोपहर को और से लेकर शाम तक बहुत भीड़ होती है वहाँ, और लोगों में बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म इसका हो रहा है। तो ये पहली बार एक स्ट्रक्चर्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है हमारा इसको लाने का, एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर इट शुड बी वेरी वेरी गुड। चैंपियनशिप का उद्घाटन 30 अक्टूबर को हैदराबाद में होगा। पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, बड़ौदरा और लुधियाना में आयोजित चरणों से गुजरता हुआ चैंपियनशिप का कारवां 24 दिसंबर को दिल्ली में अंतिम मुकाबले के साथ थमेगा। इसके आयोजकों को विश्वास है कि गो कार्टिंग का भविष्य देश में उज्जवल है। इंडियन कॉर्पोरेट्स का मार्केट जो पहले इंडिया में था, वो अब इंडिया के बाहर भी जा रहा है, तो इसीलिए इंडियन कॉर्पोरेट्स का जानना, मतलब उनका बाहर जाना जाना भी अब बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। उसके अलावा दुनिया भर की मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इंडिया में आ रही हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स में हो, चाहे वो और किसी सेक्टर में हो। तो हालांकि आपकी बात ठीक है कि महंगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब जो है प्राइवेट सेक्टर की और कॉर्पोरेट्स की मेरे ख्याल में क्षमता होगी इसको स्पॉन्सर करने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि बड़े पैमाने पर किसी प्रतियोगिता का आयोजन उस खेल और खेल प्रेमियों के बीच की दूरी को कम करता है, और अगर प्रयत्न पूरी ईमानदारी से किया जाए तो परिणाम दूरगामी होता है।